अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कंप्यूटर। नेटवर्क मॉडल्स पूरा जो हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो डिफरेंट लेयर्स में कंप्राइज होता है, डिफरेंट लेयर्स में परफॉर्म किया जाता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस किसमें क्या रिकॉर्ड होता है? डिफरेंट लेयर्स में। हर एक जो लेयर है, जो एक लेयर है वो एक या एक से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, यानी एक या मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेगी। कम्युनिकेशन लेयर ठीक है। इसके बाद लेयर कम्युनिकेशन मॉडल की एक एग्जांपल हमारे पास लेयर कम्युनिकेशन मॉडल की। एग्जांपल हमारे पास इंटरनेट, इसको हमारा नाम दिया जाता है टीसीपी का। टीसीपी की क्या मतलब? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मैंने पहले आपको बताया, जो हमारे पास अरेंजमेंट होती है सेंडर और रिसीवर डिवाइसेस की, यानी कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है, ये सेंडर और रिसीवर की जो काम कर रही है उनकी अरेंजमेंट जो है प्रॉपर, उसको किसी तरह दिया जाता है प्रोटोकॉल का। एक किस्म का एग्रीमेंट होता है जो डिफरेंट रूल्स और उसकी रेगुलेशन पे कंप्राइज होता है। सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो तय पाता है एग्रीमेंट, उसको प्रोटोकॉल का नाम दिया जाता है। इसको यहाँ पे इंटरनेट या इंटरनेट का यहाँ पे हमारे पास लेयर्ड मॉडल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी के नाम से जाना जाता है। यानी क्या चीज? आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से इंटरनेट प्रोटोकॉल या टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी जो है हमारे पास सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स, सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स है जो कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एंड टू एंड कनेक्टिविटी यानी सेंडर और रिसीवर के दरमियान में, सेंडर हो गया हमारे पास वो कनेक्ट होगा किससे? रिसीवर के जरिए से। इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो प्रोटोकॉल हमारे पास ये करवा रहा है इंटरनेट, इंटरनेट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं क्योंकि आईपी को हमने डिस्कस किया। इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स है जो कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान कनेक्टिविटी को डिफाइन कर रहा है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल या हमारे पास जो लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल था उसकी मैंने आपको 5 लेयर्स दिखानी है। इंटरनेट की एग्जांपल थी, मैंने उसकी लेयर्स को मैं डिस्कस करूंगा। यानी क्या? टीसीपी या आईपी, इसकी लेयर्स हैं 5 लेयर्स। पहली कौन सी हमारे पास? पहली हमारे पास है एप्लीकेशन,
कम्युनिकेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बाद हमारे पास क्या है, नेटवर्क, नेटवर्क के बाद डेटा लिंक, और लास्ट में हमारे पास फिजिकल। फाइव लेयर्स हैं टीसीपी की। आइए इनको डिस्कस करते हैं मजीद एक्सप्लेनेशन के साथ, और मैं साथ में इसको एग्जांपल पहले दे देता हूँ, उसके बाद हम सिंपल और लेयर कंट्रोल सिस्टम को डिस्कस करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे उनको। पहले मैं आपको समझाता हूँ, इससे पहले एग्जांपल के जरिए से एग्जांपल एक ले रहे हैं। यहाँ हमारे पास है, फर्ज करें आपने कोई लेटर सेंड करना है लाहौर से, आप लेटर लेटर को आप राइट करोगे, राइट लेटर, लेटर उसके ऊपर आपने एड्रेस देना है इस चीज का, सेंडर अपना डिटेल बतानी है, नेम वगैरह, इसके बाद किसका, रिसीवर का। आपने यहां से भेजना है पीओ बॉक्स जो आपके करीब है, गिर बॉक्स, उसमें वहां से वो जो है डिलीवरी बॉय जो है उनका पोस्ट ऑफिस का बोले जाएगा, जनरल पोस्ट ऑफिस में लाहौर के, लाहौर के जनरल पोस्ट ऑफिस से वो मूव करेगा कहाँ। अगर आपने इस्लामाबाद फर्ज करें भेजना है, वो जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद में जाएगा, वहां से वो किसी लोकल मेल बॉक्स में मेल वो जो है उनका करीब क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस जो करीब है उनके एड्रेस के, वहाँ पे जाएगा। उसके बाद किस पे, उस एड्रेस पे जो आपने लिखा रिसीवर का एड्रेस, आपका जो दोस्त है उसके एड्रेस पे जाएगा, और वो आगे रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उसको रीड करेगा, रिप्लाई लिखेगा आपको, वो दोबारा इस तरह प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। ये किसकी एग्जाम्पल है, ये सिंपल हमारे पास था, इसको हम अपडेट करेंगे किसके साथ, लेयर नेटवर्क के साथ। आइए देखते हैं मजीद। इसको देखने पहले देख लिए स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं सिंपल नेटवर्क को रिलेट कर रहा हूँ किसके साथ, लेयर के साथ, टीसीपी मॉडल के साथ। आपको
कोई कंसर्न नहीं होती किसके साथ, जो हमारे पास पोस्ट ऑफिस का स्टाफ होता है उसके साथ नो कंसर्न। आप सिर्फ अपने मैसेज पे कंसंट्रेट करते हो, उसके अंदर जो डाटा है उस पर कंसंट्रेट करते हो, बजाय इसके कि आपने पोस्ट ऑफिस के स्टाफ के बारे में जानना हो या वो उनके सिस्टम को जानना हो, उसकी बजाय आप अपने मैसेज पे कंसंट्रेट करते हो कि आपने क्या लिखा है, आपने रिसीवर को क्या चीज़ सेंड करनी है, आप उस पर कंसंट्रेट करते हो। इसमें भी यही कि आपको अपने मैसेज पे आप कंसर्न होती है, आपको इससे नेटवर्क से नहीं होती कि वो वायरलेस है या वायर्ड है, कोई भी सिस्टम है आपको उससे कनेक्शन नहीं होता, आपको जो कंसर्न होती है किससे होती है, अपने मैसेज के साथ। नो कंसर्न विद नेटवर्क। ये वायरलेस है या वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद इसको हम नाम देते हैं किसी का एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। इसके बाद सेकंड नंबर पे आप जब कोई लेटर सेंड करते हो पोस्ट ऑफिस में तो उस पर आप ईमेल पे सेंडर और रिसीवर इन्फो देते हो ईमेल पे, उस पर जो लेबल लगा होता है उसके ऊपर, और दूसरी तरफ लेयर नेटवर्क में जो है आप कनेक्शन करते हो इसमें सेंडर रिसीवर, या इसको आप नाम दे सकते हो क्लाइंट और सर्वर का, क्लाइंट सर्वर। जो सेंडर है सर्वर हो गए, यहाँ पे रिसीवर हमारे पास क्लाइंट के तौर पे, इन दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन है इस चीज को डिस्कस किया जाता है। किसमें आ जाता है हमारे पास एप्लीकेशन पड़ा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में आ गए, ये ट्रांसपोर्ट लेयर। फर्ज करें इस कनेक्शन में कहीं पे कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, जब कनेक्शन जो है डिसकनेक्शन हो जाता है उन दोनों के दरमियान में, कोई एक मसला हो सकता है, यानी हमारे पास इंटरनेट चला गया या कोई सिग्नल इशू आ गया, तो उसने जो मैसेज है सिस्टम ने वो हमें देना है एप्लीकेशन को, ये एप्लीकेशन ने देना है, एप्लीकेशन जो परफॉर्म कर रही है फंक्शन को उसने आगे मैसेज देना है कि आपका जो नेटवर्क है वो सिस्टम परफॉर्म नहीं कर रहा, आप डिसकनेक्ट हो नेटवर्क से, तो वो हमारे पास सामने शो हो जाएगा एज ए ब्लिंकिंग मैसेज के तौर पे, हमारे पास सामने शो हो जाना है जो हमारी एप्लीकेशन है, फर्स्ट में व्हाट्सएप है कोई भी है, उसने हमें मैसेज शो कराना सामने कि आपका जो नेटवर्क है उसका कनेक्शन फेल हो गया है, जिसकी वजह से जो आपने वर्क किया था उसे असाइन किया था वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा, तो आपने उस आपको ये सामने मैसेज आएगा, उसके बाद ही आपकी आप उसे एरर को खत्म कर सकते हो, उसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हो। ये हमारे पास था ट्रांसपोर्ट लेयर में जो कनेक्शन आया क्लाइंट सर्वर के दरमियान में। इसके बाद हमारे पास है ये नोट वगैरह कर लिया, वैसे बुक में है, आप बुक से भी रीड कीजिएगा, यहाँ से भी देख लें अगर कोई यहाँ से चीज आपको मिलती है अलग से। इसके बाद हमारे पास है पोस्ट सिस्टम में आप जो है
पर्सन जिसको आप सेंड करना चाहते हैं मैसेज, जिसको लेटर सेंड कर रहे हैं, उसका नेम राइट करके लेटर के ऊपर उस स्पेसिफिक पर्सन का जिसको आप सेंड करना चाह रहे हैं। और जो लेयर्ड सिस्टम है, लेयर्ड सिस्टम में आपने पोर्ट नंबर ऐड करना है और इसके अलावा मैसेज हेडर, बुक में बता रहा है पोर्ट नंबर विद मैसेज हेडर। यानी पोर्ट नंबर बता रहा है कि आपने कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू मैसेज को सेंड करना है। मैसेज हेडर क्या है कि आपने कोई एक कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करना है, उसको मैसेज सेंड करना है, उसका नेम वगैरह जो आपने सामने शो किया होगा उसको मैसेज सेंड हेडर का नाम दिया जाता है। इसके अलावा पोर्ट नंबर ये बता रहा है, इस कहने का एक्चुअली मतलब ये है कि आपने कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी है अपने मैसेज को सेंड करने के लिए, उसके बाद किसको सेंड करना है मैसेज, उसका नाम सामने आप मेंशन करेंगे, उसकी चैट ओपन करेंगे, उसमें मैसेज आई करके आपने सेंड कर देना। इसको किस चीज का नाम दिया जाता है, एक्चुअली हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही है इसमें सेंडर और रिसीवर के दरमियान। इसमें आपने सिंपल लेटर के ऊपर जो लेबल है उस पे आपने एनवेलप के ऊपर आपने जिस पर बंदे को आपने सेंड करना है उसका नेम, स्पेसिफिक नेम आपने मेंशन कर दिया, अपना नाम मेंशन किया, ये सारे डिटेल्स वगैरह बताए। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रूट आ रहा है, रूट जिसके जरिए से मैसेज सेंड हुआ है। पोस्टल सिस्टम डिलीवरी वाला सिस्टम है, आप जानते हो ये बाय रोड होता है, बाय रोड, और ये रेल नेटवर्क ओवर टू द नेटवर्क होता है, आप जानते हो। वो सिंपल ये है कि डेटा को उसने मूव करने है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क थ्रू। इसमें आपका रूटर आपकी मर्जी का हो सकता है, आप फॉर्म करें वाईफाई हो सकती है या सिंपल इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट डेटा कनेक्शन। रूट को डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली इस प्रॉपर्टी में कि किस रूट के थ्रू आपका मैसेज सेंड होगा। बाय रोड पोस्टल सिस्टम में होता है, और इसके अलावा जो लेयर नेटवर्क है उसमें वाईफाई, ये कोई रूटर हो सकता है, वाईफाई जो हमारे पास वायरलेस है, वायरलेस भी सिस्टम यूज हो सकता है, वायर्ड सिस्टम भी यूज हो सकता है, जिसके जरिए से आप अपने मैसेज को सेंडर से जब मैसेज जाएगा रिसीवर की तरफ, वो यहाँ से सेंडर की वाईफाई से रूटर से सेंड होगा, रिसीवर की वाईफाई पे पहुंचेगा। ये सारा नेटवर्क है ओवर टू द नेटवर्क, सारा कनेक्शन हो रहा है, इसलिए इसको लेयर्ड का नाम दिया जाता है, लेयर्ड नेटवर्क का नाम। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है, हमारे पास है वो कौन से ज़राए हैं जिसके जरिए, कौन सा जरिया है जिसके जरिए से आपको मैसेज सेंड होगा सेंडर से रिसीवर के दरमियान, जो कनेक्शन है किसके जरिए से पॉसिबल हो रहा है वो देखें। यहाँ पे जो पोस्टल सिस्टम है, पोस्टल सिस्टम में आपको मैसेज सेंड होगा कहाँ से, सेंडर से रिसीवर को क्या चीज लेके जाएगी, बाइक्स भी हो सकती है, वैन हो सकती है, वो डिलीवरी सिस्टम पे डिपेंड करता है किसके जरिए से वो लेके जाते हैं। कोई पास है तो बाइक्स वगैरह भी हो सकता है, लंबा कोई रूट है तो उस पर वैन के जरिए भी जा सकता है। इसके अलावा लेयर्ड नेटवर्क में हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिंपल डेटा को सेंड करना है कहाँ से, सेंडर से रिसीवर को, जो कनेक्शन होता है इनके दरमियान पे इंटरनेट कनेक्शन, उसके जरिए से जो है आपका सेंडर से रिसीवर को सेंड होगा।
ये रूटर वाईफाई रूटर भी हो सकता है, इसको हम किस चीज का नाम देते हैं, डेटा लिंक लेयर का। पहले हमने कौन सी पढ़ी, एप्लीकेशन लेयर पढ़ी, एप्लीकेशन के बाद हमने डिस्कस की कौन सी एप्लीकेशन से नेक्स्ट वाली हमने कौन सी डिस्कस की है, तो आपने देखा ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट के बाद हमने नेटवर्क देखी लास्ट वाली, उसके बाद हमारे पास आया डाटा लिंक की, इसमें आपने देखा कि सेंडर से रिसीवर के दरमियान में जो कनेक्शन हो रहा है वो वाईफाई रूटर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर लेयर नेटवर्क में उसको डाटा लिंक का नाम देते हैं। दूसरी साइड पर हमने देखा पोस्टल सिस्टम में हमारे पास जो चीज़ डिलीवर करवा रही है, बाइक्स वैन वगैरह शामिल है। ये हमें इसमें सिंपल रूट को डिस्कस करने को, कौन सा रूट है, क्या चीज़ है, कौन सा रजिया है जिसके जरिए से मैसेज हमारा सेंडर से रिसीवर के दरमियान में सेंड होगा। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी इसकी इधर ही डिस्कस कर लेते हो,